जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब की वर माता, जय तुलसी माता। हे तुलसी मैया, मेरे घर परिवार में अपनी कृपा बनाए रखना। जय तुलसी माता। माँ, आप रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करती हो? महिमा, तुलसी माता हम सबकी माँ है और वो हमारी हर दुख में सहायता करती है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करो तो तुलसी माता को याद करना, वो तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगी। अरे जानकी, बस छूट जाएगी, फिर शाम तक इंतजार करना होगा। महिमा, मुझे आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मेरे पीछे से तुलसी मैया की देखभाल अच्छे से करना और चाची जैसा कहें उनकी बात को मानना। अगर बापू की दवाई वैद्य जी ने जल्दी बना दी तो हम जल्दी लौट आएंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुलसी मैया की पूरी देखभाल करूंगी। आप बापू के साथ आराम से जाओ। सुमन, ये मेरी अलमारी की चाबियां रख लो, उसमें मेरे सारे जेवर रखे हैं। चाबी साथ में ले गई तो कहीं खो ना जाए। अरे अरे, कोई बात नहीं भाभी, आप आराम से जाओ, मैं पीछे से महिमा को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। महिमा की माँ जानकी तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी, इसलिए वो जाते हुए तुलसी माँ की पूजा की सारी देखभाल महिमा को दे जाती है। पर विधि का विधान कुछ और ही लिखा था। जिस बस से महिमा के माता पिता जा रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में महिमा के माता पिता मारे गए। महिमा का अपने चाचा चाची के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं था। महिमा बिटिया, रो नहीं, देखो तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे साथ है ना, मैं भी तो तुम्हारे पिता की तरह ही हूँ ना। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आऊंगा, ठीक है? तुझे अच्छी लगती है ना? अरे पागल हो रहे हो क्या, इस अभागिन के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप को खा गई है ये, अब ये जलेबी खाकर क्या करेगी? जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खाने दो इसे, ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी पूजा बिटिया के बारे में तो इतना कभी नहीं सोचते। चाची, मुझे भूख नहीं है, आप मुझे वो रोटी दे दो, मैं वो खा लूंगी। पहले मैं तुलसी में दिया जला दूं, शाम का समय हो रहा है। माँ हमेशा संध्या के समय तुलसी में दिया जलाती थी और वो मुझे कहकर गई थी कि मैं सुबह शाम तुलसी माता की सेवा करूं। खुद तो तेरी माँ ऊपर चली गई और तेरे ऊपर ये काम छोड़ गई है। घर के काम पहले खत्म कर, बाद में तुलसी में दिया जलाना। महिमा शाम का खाना बनाती है, सारा काम खत्म करके वो तुलसी में दीपक जलाती है और वहीं तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगती है। तुलसी मैया, माँ क्यों चली गई? माँ बापू के बिना दिल नहीं लगता, मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती। माँ, माँ कहती थी आप तो सबकी माँ हो। माँ, मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ रहोगी ना? महिमा आंगन में बैठी रो रही थी, तभी उसे तुलसी के पौधे में से आवाज आती है। महिमा, डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगी। तुलसी माँ, ये आवाज तो तुलसी मैया के पौधे से आ रही है, इसका मतलब तुलसी मैया तक मेरी प्रार्थना पहुँच गई है। मैया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। महिमा तुलसी माता की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। उसको यकीन था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी माँ के रूप में उसके साथ था, पर महिमा की चाची के स्वभाव में बहुत अंतर आ गया था। वो तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर महिमा की माँ उसे देकर गई थी वो उन जेवर को हड़प ले, पर माँ तुलसी के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था। ये सारे जेवर चुपचाप संदूक में छुपा देती हूँ और किसी दिन मौका देखकर सारे जेवर बेच दूंगी और पैसों को अपने पास जोड़कर रख लूंगी, ये पूछेंगे तो बोल दूंगी चोर चुरा कर ले गया। महिमा की चाची सारे जेवर संदूक में बंद करके ताला लगा देती है। महिमा, ओ महिमा, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे लौटने तक सारे कपड़े धोकर आंगन को अच्छे से लीप देना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना, कोई भी काम रहा ना तो तेरी खैर नहीं। मुझे तो मिट्टी से आंगन लीपना आता ही नहीं, मैंने ये काम कभी नहीं किया चाची। बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसे मर्जी कर, पूरा आंगन अच्छे से लीपा होना चाहिए। महिमा को सारे घर का काम देकर उसकी चाची अपनी बेटी के साथ बाजार घूमने चली जाती है। हे तुलसी माँ, मेरी मदद करो, मुझे आंगन लीपना नहीं आता, चाची आकर बहुत मारेगी। महिमा रोने लगती है,
तभी उसके सामने तुलसी माता प्रकट होती हैं और एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती हैं। बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी दो, मैं तुम्हारा पूरा आंगन लीप देती हूँ। माँ मैं जानती थी आप मेरी मदद को जरूर आओगी। साधारण स्त्री के रूप में माता तुलसी मुस्कुराने लगती हैं। कुछ देर बाद महिमा देखती है माँ तुलसी ने कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया। माँ आपने तो सारा काम चुटकियों में ही खत्म कर दिया, अब चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी। बेटी अब तुम थोड़ी देर आराम से सो जाओ। महिमा वही तुलसी के पौधों के पास सो जाती है और देवी तुलसी अंतर ध्यान हो जाती है। महिमा की चाची जब घर आकर सारा काम निपटा हुआ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अब वो रोजाना कठिन से कठिन काम महिमा को देकर जाने लगी, पर तुलसी माता आकर सारा काम कर देती थी। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी छुपे तुलसी माता को स्त्री के रूप में घर का काम करते हुए देख लिया। ये बात है तब भी मैं कहूँ महिमा इतनी जल्दी तो घर के काम नहीं निपटा सकती, ये किसी औरत की मदद लेती है जो यहाँ पर इसके बदले घर का काम करती है। कहीं ऐसा ना हो इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो। कोई भरोसा नहीं है, ये काम के बदले इसे कुछ ना कुछ जरूर दे रही है। एक बार संदूक में जाकर देखती हूँ कहीं जेवर तो इसे दान में नहीं दे दिए। महिमा की चाची कमरे में जाकर संदूक देखती है जिसमें महिमा की माँ जानकी के जेवर रखे हुए थे, पर संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। महिमा की चाची अपना सिर पीट लेती है। हे राम मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सुनो जी, जेठानी जी के सारे जेवर चोरी हो गए, जरूर इस महिमा ने उस औरत को दे दिए जिससे ये चोरी छिपे घर के काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वो कहाँ रहती है, चुपचाप चोरी किए हुए सारे जेवर वापस करेगी। महिमा तुम्हारी चाची किसके बारे में बात कर रही है, और सुलोचना घर का काम किसी और से करवाती है तो फिर तुम क्या करती हो? घर के काम तो तुम्हें करना चाहिए ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चाचा चाची सारा दिन घर के काम मेरे से करवाती थी, मेरे से अकेले सारे काम नहीं हो रहे थे, मुझे कुछ काम करने ही नहीं आते, इसलिए मैंने तुलसी माता को बुलाया। चाची जिनके बारे में कह रही है वो तुलसी माता है, वही रोजाना मेरी मदद को आती है। देखो देखो ये किसे बुद्धू बना रही है, भला तुलसी के पौधे में से भी तुलसी माता बाहर आ सकती है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये तो पागल हो गई है या किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। इससे पूछो कि सारे जेवर कहाँ हैं, ना जाने इसने किसे दे दिए। सबसे पहले तो उस औरत को बुलाए, इसको बोलो अभी अभी के अभी बुलाए। हे तुलसी मैया, चाची को विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी मदद को आती हो। माँ आओ ना मेरी मदद करो, चाची को बताओ मैंने आपको कोई गहने नहीं दिए हैं। हे तुलसी माता मेरी मदद करो। महिमा रोने लगती है, तभी तुलसी के पौधे में से माँ तुलसी प्रकट होती हैं। घबराओ नहीं महिमा बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुलोचना तुम्हारे मन में लालच में देख सकती हूँ, तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितने अत्याचार किए हैं, मैं इसका दंड तुम्हें अभी दे सकती हूँ। नहीं माँ चाची को कुछ मत कहो, चाची की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हे तुलसी माँ, आपके दर्शन पाकर हम तो कृतार्थ हो गए, हमें क्षमा करो माँ। मैं इन सबसे अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था कि सुलोचना महिमा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मुझे माफ कर दो मैया, मुझसे भूल हो गई, मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। मैं आज के बाद कभी भी महिमा और पूजा दोनों में भेदभाव नहीं करूंगी, मुझसे गलती हुई माँ। तुलसी माता संदूक में रखे पत्थरों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती है और पत्थर फिर से जेवर में बदल जाते हैं। उसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर ध्यान हो जाती है। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माता की सेवा में लग जाती है। माँ तुलसी के आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तुलसी विवाह की कथा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। कहते हैं कि तुलसी दल अर्पित करने से ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग देव उठनी 11 के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन तुलसी विवाह की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा।
पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी जिसके कारण उनका पति जलंधर समय के साथ और भी शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के कहर से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु की भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने के उपाय पर विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का शाप दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जब वो उसके साथ भस्म हो गई तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे की शालिग्राम से सनातन धर्म के अनुसार विवाह कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह को लोग उसी प्रकार कराते हैं जैसे आम लोगों के विवाह होते हैं। इस दिन पंडित जी को घर पर बुलाकर तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी उड़ाकर सिंगार की सभी चीजें वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी विवाह को अधिक महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन कन्यादान भी किया जाता है क्योंकि कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। पत्थर रूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करें। शालिग्राम को स्थापित करने के बाद तुलसी के पौधे का विधिवत पंडित जी से विवाह करवाएं। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम के साथ सात प्रतिमा कराएं और अंत में तुलसी जी की आरती गाएं। ये पूजा उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होती है जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं होती।